हेलो दोस्तों एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विशु डिजाइन। सो गाइस, आज किस एडिटिंग वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्रिसमस वाली एडिटिंग, जो बहुत ही स्पेशल एंड बहुत खास होगी आप लोगों के लिए। क्योंकि गाइस, जितने भी मैं पीएनजी यूज करूँगा एंड बैकग्राउंड यूज करूँगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके जरूर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, खास बात, अगर आपको ये एडिटिंग वीडियो सच में करनी है तो यार आप वीडियो सबसे पहले लास्ट तक जरूर देख लो। एंड गाइस, इस एडिटिंग वीडियो में, मतलब गाइस, इस फोटो को एडिट करने के लिए लास्ट में मैं कुछ स्टेप छोड़ दूंगा वो आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस एडिटिंग का वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए गाइस उस फोटो को, मतलब वो स्टेप आप लोग खुद करना। तो गाइस, सबसे पहले ये देख लो, ये मेरा जो गाइस एडिटिंग है कितना, मतलब ऑसम एंड मस्त लग रहा है। तो गाइस, इस एडिटिंग को करने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड ये रहा मेरा ओरिजिनल फोटो, जो कितना बेस्ट एंड ऑसम लग रहा है, देख सकते हो। तो इसका मैंने बैकग्राउंड इरेज कर दिया गाइस, आप लोग भी खुद कर लेना, क्योंकि मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं पिकार्ड्स में, इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम शेयर कर लेते हैं पिकार्ड्स में। तो चलिए गाइस, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरा जो बैकग्राउंड है उसको मैंने शेयर कर लिया है पिकार्ड्स में। पिकार्ड्स में शेयर करने के बाद गाइस, जो सबसे पहले आपका स्टेप होगा, सबसे पहले आप आओगे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे एंड इसको हल्का सा कर लोगे ब्लर। गाइस, बैकग्राउंड ब्लर करने से ये होता है, अगर आपने फोटो की, अगर आप लोगों ने बैकग्राउंड सही से इरेज नहीं किया है तो उसका गाइस वो छिप जाता है इसमें। तो गाइस, ब्लर को मैं रख लेता हूँ 7 पे एंड यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ डन। डन करने के बाद गाइस, आप आओगे ऐड फोटो पे एंड गाइस, जो संता क्लास वाली ये पीएनजी है, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड करना है जूम करके एंड आपको कुछ उस तरीके से एडजस्ट कर देना है। ओके गाइस, एडजस्ट करने के बाद गाइस, यहाँ से आप इसको कर दोगे डन एंड फिर आओगे आप ऐड फोटो पे, जो आपने अपनी फ़ोटो इरेज करके रखी है गाइस, आप कुछ इस तरीके से इसको ऐड करोगे। ओके गाइस, आप इसको जूम करके अपने अकॉर्डिंग गाइस इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना एंड यहाँ से आपको कर देना है डन। ये आपका दो वर्क कंप्लीट हो चुका। डन करने के बाद गाइस, आप फिर आओगे ऐड फोटो पे एंड गाइस, ये जो स्मोक वाली पीएनजी है, आप इसको लोगे, जैसे कि बैकग्राउंड मेरा है स्नोफॉल जैसे बैकग्राउंड है, ठंड वाला है, तो गाइस इसको आप लोग नीचे से कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दोगे कि लगे आगे स्नो आपके हल्का सा आपके पास में है, तो कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है एंड यहाँ से भी आपको कर देना है डन। गाइस, मैं जितने भी पीएनजी यूज कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना एंड ट्राई करना कुछ इस तरीके से फ़ोटो एडिट करने के लिए। तो गाइस, आपको फिर आना है ऐड फोटो पे एंड गाइस, जो अपर लेयर पे मैंने डेकोरेशन किया है उसके लिए एंड ये क्रिसमस वाली पीएनजी के लिए। तो गाइस, सबसे पहले इसको हम कर देते हैं डाउन साइड में, आपको जहाँ अच्छा लगे आप इसको कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना एंड गाइस, उसके बाद जो आपका स्टेप होगा, आप ये जो अपर वाली पीएनजी है डेकोरेशन के लिए, अगर आप इसको लगाना चाहो तो लगा लो, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है लगाना। तो ये गाइस, मैं थोड़ा सा बस फोटो को ऑसम बनाने के लिए मैं इसको ऐड कर रहा था, तो कुछ इस तरीके से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ एंड ऐड करने के बाद गाइस, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डन। तो गाइस, फाइनली पिकार्ड्स वाली वर्क कंप्लीट हो चुकी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रा वाले ऑप्शन में आएंगे एंड यहाँ से 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं, यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। गैलरी में सेव करने के बाद गाइस, आप इस फोटो को शेयर करोगे लाइटरूम एप्लीकेशन में इफेक्टिंग के लिए। तो चलिए गाइस, बिना लेट किए हम इस फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरा जो फोटो है उसको मैंने शेयर कर लिया है लाइटरूम में। लाइटरूम में शेयर करने के बाद गाइस, जो सबसे पहले आपका स्टेप होगा, सबसे पहले स्टेप में आपको इस ब्राइटनेस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद गाइस, जो इसका एक्सपोजर है उसको आपको 10 पे रखना है एंड गाइस, जो इसका कंट्रास्ट है आप इसको -4 पे रखोगे। हाईलाइट जो है गाइस, आप इसको इंक्रीज करके 6 पे कर दोगे एंड गाइस, इसका जो शैडो है गाइस, इसको आप -2 में कर लोगे, सॉरी गाइस, -2 में आप इसको शैडो कर लोगे। उसके बाद गाइस, जो वाइट दिख रहा है आपको उसको कर लेना है 4 पे एंड जो ब्लैक दिख रहा है गाइस, इसको आपको कर लेना है 14 पे। ओके गाइस, उसके बाद हम आएंगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में गाइस, क्या करना है आपको, जो इसका वाइब्रेंस है इसको आपको -6 में करना है एंड गाइस, जो इसका सेचुरेशन है उसको आपको करना है -4 पे। ओके गाइस, उसके बाद हम यूज करेंगे मिक्स वाला टूल। मिक्स वाले टूल में गाइस, आपको सबसे पहला जो आपको दिख रहा है टोन, उसका जो ह्यू है गाइस, उसको आपको -12 पे करना है
एंड गाइस इसका जो सेचुरेशन है आप इसको 24 पे कर लोगे, ओके गाइस। एंड गाइस इसका जो लूमिनस दिख रहा है इसको करना है आपको 20 पे, ओके गाइस। पहला टोन मतलब पहला स्टेप कंप्लीट, उसके बाद सेकंड वाले पे आएंगे। सेकंड वाले पे गाइस आपको क्या करना है, जो इसका सेचुरेशन है इसको आपको -12 पे करना है। एंड गाइस इसका जो लूमिनस दिख रहा है उसको आप 28 या 30 के बीच में आप रखोगे, बट फिलहाल गाइस मैं इसको 28 कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस जो थर्ड स्टेप दिख रहा है, थर्ड टोन में गाइस जो इसका ह्यू है आप इसको कर लोगे 14+, मतलब कि 40 के आसपास रखोगे, बट फिलहाल मैं इसको 14 कर लेता हूँ। एंड गाइस इसका जो सेचुरेशन है इसको आप 52 कर लोगे या फिर 50 पे करोगे, ठीक, बट मैंने इसको 51 पे किया है। एंड गाइस इसको लूमिनस टच करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गाइस आपको ग्रीन वाला एंड स्काई ब्लू वाला दोनों टच करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप डायरेक्ट यूज करोगे ब्लू वाला टोन। ब्लू वाले टोन में गाइस इसका जो सेचुरेशन है आप इसको करोगे 39 या 40 के आसपास रखोगे, जैसे कि मैंने इसको 14 पे कर लिया है। उसके बाद गाइस जो इसका लूमिनस है इसको आप हल्का सा इंक्रीज करके 50+ करोगे, जैसे कि मैंने इसको 54 या 55 कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको 53 कर लिया हूँ। ये दोनों टोन यूज करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, यहाँ से आप इसको कर दोगे डन। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, क्लैरिटी वाले थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है। क्लैरिटी को हल्का सा -5 में कर लोगे, -6 में कर लोगे। डैमेज जो है उसको हल्का सा इंक्रीज कर दोगे। उसके बाद गाइस जो आपका विग्नेट दिख रहा है उसको आप हल्का सा माइनस में कर दोगे, -10+ कर लेना 12 पे, जैसे कि मैंने इसको -12 पे कर लिया है। उसके बाद गाइस ये लास्ट स्टेप जो हम करते हैं, इसमें आपको हल्का सा फ़ोटो पे शार्पिंग लाने के लिए आपको शार्पिंग इंक्रीज करना है, तो इसको मैं 26 कर ले रहा हूँ। उसके बाद गाइस ये मास्किंग है इसको मैं कर लेता हूँ 3 पे। उसके बाद इसका जो नॉइज रिडक्शन है गाइस इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ एंड इसको मैं कर लेता हूँ 23 के आसपास, मैं इसको 25 कर लेता हूँ। एंड इसको जो कलर नॉइज रिडक्शन है इसको भी मैं इसको कर लेता हूँ 25 के आसपास। ये स्टेप कंप्लीट हो गया गाइस। एंड ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। एंड जो आपको आर्टिस्ट 3 दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपका जो इसका ओपसिटी है उसको आपको कम करके 20 के आसपास रखना है। फिलहाल मैं इसको 22 कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसको कर देता हूँ डन। गाइस ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद गाइस फाइनली आप देख सकते हो कि आपके फ़ोटो पे कुछ वैसा ही लुक आ गया है जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा था। एंड गाइस ये फ़ोटो बहुत इजी तरीके से मैंने कर दिया है, इसमें बस एक चीज़ बचता है जो होता है मेरा हेयर स्टाइल एंड फेस स्मूथ। तो गाइस फेस स्मूथ एंड हेयर स्ट्रेट वाली मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग वो स्टेप देख लेना। मैं वो प्रोसेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड आपको देखने में भी बोरिंग लगेगी, इसलिए गाइस ये स्टेप मैं छोड़ देता हूँ, वे स्टेप आप लोग खुद कर लेना। एंड यहाँ से आप लोग अपनी गैलरी में इसको सेव कर सकते हो इस फोटो को, तो यार वो स्टेप कंप्लीट कर लेना, आप लोग खुद वो वीडियो देख लेना। एंड उस वीडियो को देखकर आप लोग फेस स्मूथ एंड हेयर स्ट्रेट वाली मतलब एडिटिंग कर लेना। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये एडिटिंग वीडियो पसंद आया हो। अगर गाइस पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।